बात करने वाले हैं इफ्को बाज़ार के विषय में। जी हाँ दोस्तों, इफ्को एक बहुत ही बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी है और साथ ही साथ यहाँ पर आप कृषि से रिलेटेड जितने भी उपकरण होते हैं, कीटनाशक दवाई होती हैं, खरपतवार नाशक दवाएँ होती हैं, इन सभी का प्रोडक्शन करती है और इसको ऑल इंडिया या बात करें ऑल वर्ल्ड में सेल करती है। तो अगर इफ्को बाज़ार दोस्तों फ्रेंचाइजी खोलने का मौका दे रही है, इफ्को केंद्र खोलने का मौका दे रही है, अगर आप अपने गांव या शहर में रहते हैं फिलहाल, क्योंकि इफ्को ज़्यादातर कृषि से रिलेटेड प्रोडक्ट अपने प्रोड्यूस करती है, तो ये बिजनेस सबसे ज़्यादा गाँव में चलने वाला होता है, जो छोटे मोटे कस्बे होते हैं जहाँ से गांव जुड़े होते हैं। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है इफ्को बाज़ार का केंद्र लेकर अच्छी खासी कमाई करने के विषय में। तो आज हम बात करेंगे इसकी पात्रता क्या है, इसमें कमीशन कितना मिलेगा और इसको खोलने के लिए कितना रुपए सिक्योरिटी मनी की बात करें या और लागत होगी कितना लगेगा और कितनी आप कमाई कर पाएंगे। तो इफ्को बाज़ार में ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश ज़रूर करूंगा, अगर आपने अभी तक हेल्प इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों इफ्को की जो ऑफिशियल वेबसाइट ifcobazaar.in, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सारे प्रोडक्ट आप यहाँ से लेकर और सेल कर सकते हैं अगर आप इनका केंद्र खोलते हैं, जैसे कि बागवानी से रिलेटेड हमारे उत्पाद और सेवाएं, बागवानी, जैव उर्वरक, जल घुलनशील उर्वरक, स्पेशलिस्ट उर्वरक, पौध विकास, मतलब सारी बीज हो गए, खरपतवार नाशक, कीटनाशक और भी बहुत सारे यंत्र होते हैं, ये देखिएगा, ये सब देख सकते हैं। इन सभी का अगर आप केंद्र खोलना चाहते हैं, इनका बड़ा सा शॉप खोलना चाहते हैं, तो कैसे खोलेंगे उसको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जैसे आएंगे, यहाँ पर मैंने बता रखा है इफ्को बाज़ार क्या है, इफ्को बाज़ार में आवेदन कैसे करें, या इफ्को बाज़ार भी बोलते हैं दोस्तों इसको, इसको इफ्को फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं, ये सब कुछ आप देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों 2016 में इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था इफ्को बाज़ार नाम से, तो यहाँ देख सकते हैं इफ्को बाज़ार देश के किसानों के लिए तैयार किया गया है। इनका उद्देश्य पूरे देश में 1000 इफ्को बाज़ार केंद्र खोलने का है। वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 केंद्र खोले जा चुके हैं। किसान इफ्को केंद्र पर कीटनाशक, बीज, दवाएं, कृषि यंत्र सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जिससे वह आसानी से इन्हें खरीद सकते हैं। इफ्को बाज़ार केंद्र देश के किसानों को एक विकास की ओर अग्रसर करेगा। वहीं जो केंद्र खोलकर अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, वह इफ्को बाज़ार केंद्र फ्रेंचाइजी लेकर अपने गांव या शहर में रोजगार ले सकते हैं। तो इफ्को बाज़ार है क्या, पहले आपको ये समझना होगा इफ्को बाज़ार क्या है। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इफ्को विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। उर्वरक के साथ कीटनाशक दवाइयाँ, यंत्र, किसानों के उपयोग में लाए जाने वाले सभी प्रकार की चीज़ें बनाने का कार्य करता है। इफ्को ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम इफ्को बाज़ार, जो कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कि नाम से लॉन्च की है। यहाँ पर किसान अपनी सभी ज़रूरत की चीज़ें ऑनलाइन घर बैठे खरीद सकते हैं। आप अगर इसका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो मैंने सारी चीज़ें नीचे बता रखी हैं दोस्तों। यहाँ पर इफ्को बाज़ार अगर आप लेते हैं तो किसानों के लिए इफ्को एक कार्ड भी इशू करता है जिसका नाम है इफ्को किसान सुविधा कार्ड। यह दोस्तों कार्ड क्या होता है, जैसे हम बात करें, अगर किसान ये कार्ड बनवा लेता है और उसी कार्ड के थ्रू वो शॉपिंग करता है, मतलब ख़रीदारी करता है, तो उसको कुछ बोनस पॉइंट मिलते रहते हैं और धीरे धीरे वो बढ़े जाते हैं और कुछ समय बाद उस बोनस पॉइंट का उन किसानों को फ़ायदा दिया जाता है। अगर हम बात करें कि इफ्को बाज़ार से आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो इफ्को का कहना है यदि कोई देश का नौजवान इफ्को बाज़ार से जुड़ना चाहता है तो वह अपने निजी स्तर से जुड़ सकता है। यदि आप इसको इफ्को बाज़ार केंद्र खोलना चाहते हैं तो आप अपने ज़मीन पर रहकर रोज़गार करने का एक अवसर मिलता है। इफ्को केंद्र से प्रोडक्ट बेचने पर एक निश्चित कमीशन दिया जाता है। मैंने यहाँ पर बताया है दोस्तों नीचे कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, मैं लाइव करके भी दिखाऊँगा, अभी सिर्फ आपको डिटेल बता रहा हूँ। अगर इफ्को बाज़ार केंद्र खोलने की पात्रता क्या है, आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि मैं इफ्को बाज़ार खोलूं तो इसकी पात्रता क्या है। देखिएगा, आवेदक को कृषि विज्ञान स्नातक होना चाहिए दोस्तों, कृषि या विज्ञान से आपको स्नातक दोस्तों होना चाहिए, तभी आप इफ्को बाज़ार के लिए आवेदन कर पाएंगे। केंद्र खोलने के लिए महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक को खेतीबाड़ी का तकनीकी ज्ञान होना ज़रूरी है। आवेदक को केमिकल्स के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। आवेदक को जागरूक करने के लिए भी काम आना चाहिए और लगभग 1000 से लेकर 1500 इस वर्ग फीट की आपके पास जगह होनी चाहिए।
कितना कमीशन देगा इफ़को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़को फ्रेंचाइजी कमीशन क्या होगा, यदि आप इफ़को गेम खोलते हैं तो आपको अच्छा खासा कमीशन दिया जाता है। उर्वरक की बिक्री पर क्रेता को 3% का कमीशन दिया जाता है। जब आप केंद्र खोलते हैं तो उर्वरक के साथ पशु आहार, बीज, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, जैव उर्वरक, इन सभी उत्पादों को बेचकर भी अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा मार्जिन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंचाइजी प्रोडक्ट है यहाँ पर, या मार्जिन फॉर फ्रेंचाइजी है। यूरिया की बात करें तो 317.25 का अप्रॉक्स पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स की बात करें 443। पेस्टिसाइड की बात करें अबाउट 90% ऑफ IEBLs मार्जिन्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ दिया है मैंने। अब अगर आप इफ़को सेंटर लेना चाहते हैं, इफ़को के फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो आपको सिक्योरिटी मनी को जमा करनी पड़ती है। वो क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, इफ़ ये आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। सिक्योरिटी मनी अप्रॉक्स 1 लाख है और भी, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल दी है, आप उसे पढ़ें। इफ़को बाज़ार के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके लिए आपको ये देखिए लिंक मैंने दिया है, अप्लाई फॉर इफ़को बाज़ार केंद्र। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इफ़को बाज़ार केंद्र की फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। देखिए ये लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए भी बताया गया है बेनिफिट ऑफ इफ़को बाज़ार फ्रेंचाइजी, यहाँ बताए गए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, सब कुछ बताया गया है। मार्जिन क्या है वो भी बताया गया है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा और उसके बाद OTP आएगा जो उसको वेरी। तो जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर OTP वेरीफाई कराते हैं तो ये देखिएगा यहाँ पर आ जाता है कृषि उत्पाद 355 है, यहाँ पर जैविक व रासायनिक प्रबंधन 672 है, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे आप सवाल पूछें और यहाँ पर बहुत सी डिटेल, कैन बोन 20B या गिविंग सॉइल एप्लीकेशन, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, उन सभी के जवाब भी दिए गए हैं। और जैसे ये नंबर जो डाला है मैंने, अब यहाँ पर क्या होगा, जो मैंने यहाँ पर नंबर डाला है, ये देखिए मेरा अकाउंट बन गया माई अकाउंट। जैसे आप माई अकाउंट पर जाएंगे तो यहाँ पर ये पूरा डैशबोर्ड आपको मेरे सवाल लेखा महीना, यहाँ पर देखिएगा मेरा यूज़र आईडी, ये सब आ जाता है। यहाँ पर मैं एड्रेस फिल कर सकता हूँ, ऑर्डर लगा सकता हूँ, एजेंट डिटेल, और भी अगर आपको डिटेल यहाँ पर चाहिए दोस्तों तो आप इफ़को बाज़ार के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये देखिएगा मैंने यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दे रखा है इफ़को बाज़ार का नीचे, डायरेक्टली आप वेबसाइट पर जाकर भी टोल फ्री नंबर, ये देखिएगा टोल फ्री नंबर, इस पर कॉल करके आप इनकी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है दोस्तों, आपका ये अकाउंट हो गया, यहाँ पर आप डिटेल वगैरह, माय एड्रेस ये सब चेंज करेंगे, माय ऑर्डर, एजेंट डिटेल, ये सब आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल था, आप ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो आप इनके टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप इनसे संपर्क कर लें डायरेक्टली। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें दोस्तों हाइड कर रखी हैं सिक्योरिटी की वजह से। तो ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आपको फुल जानकारी और मिल जाएगी कि इफ़ो केंद्र आप कैसे खोल सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे पोस्ट पर जरूर जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।